नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और प्राइम टाइम में सबसे पहले बात भोपाल से, एक बड़ी खबर। सीएम शिवराज दिल्ली का दौरा करने पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल होने वाले सम्मेलन में शामिल होंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन है दिल्ली में। नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय का अवलोकन भी करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में शामिल होंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर बात की है। तो सीएम ने 1 मई को मजदूर दिवस के दिन बोरे बासी खाने और इसे खाने को बढ़ावा देने की बात कही है। इसी के साथ सीएम भूपेश ने बीजेपी पर हमला बोला और 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि वर्तमान में 71 विधायक हैं तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि कम से कम इतने विधायक तो रहें। कल विज्ञान भवन में सुबह 9:30 बजे से बैठक है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, संबोधित करेंगे, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी उसमें शामिल रहेंगे। दिन भर का कार्यक्रम है और शाम को डिनर भी दे रहे हैं उसमें शामिल। छत्तीसगढ़ की परंपरा रही क्या, वो बड़े बड़े भी किसान भी रहा हो तो गर्मी के दिन में बोरे बासी के उपयोग करते थे, लेकिन अभी कुछ कुछ अभी भी खाते हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, हमारी परंपरा है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक। दिनों अमित शाह जी से मुलाकात हुई, अब प्रधानमंत्री से मुलाकात, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो अंदर खाने में पक रहा है जो निकट भविष्य में सामने आएगा, और कुछ तो परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यशोदा जी के शपथ ग्रहण में हम लोग गए थे और वहाँ पूछा 2023 में क्या, तो भाई हमारे 71 तो विधायक अभी हैं, तो हमारा टारगेट तो यही रहेगा कि 2023 में भी 71 विधायक रहें। तो 2023 के लिए बीजेपी ने एजेंडा सेट कर दिया है। दिल्ली में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद इसका इशारा मिलने लगा है। एक तरफ जहां बीजेपी यूपी के फॉर्मूले को एमपी में अपनाएगी, तो दूसरी तरफ सीएम शिवराज की मामा वाली छवि को भी पार्टी भुनाने की कोशिश करेगी। इधर कांग्रेस में भी मुद्दों पर मंथन जारी है, यानी 2023 से पहले बीजेपी कांग्रेस में हलचल तेज है। बीजेपी ने सेट किया एजेंडा, कांग्रेस का भी मुद्दे पर मंथन, मिशन मोड में एमपी की सियासत, 2023 से पहले बड़ी हलचल। 2023 में बीजेपी किस रास्ते पर चलकर सत्ता की मंजिल तक पहुंचना चाहती है, ये दिल्ली में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में लगभग तय कर लिया गया है। ये तो तय है कि यूपी की तर्ज पर एमपी में भी बीजेपी ताकतवर लीडरशिप के साथ आगे बढ़ेगी। यूपी में जहां योगी की सख्त छवि थी, तो वहीं एमपी में शिवराज की लोकप्रिय छवि को बीजेपी आगे रखेगी। बुलडोजर बाबा के तर्ज पर बुलडोजर मामा की भी गूंज होगी। वहीं यूपी की तर्ज पर ही हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी एमपी में भी कोई समझौता नहीं करेगी और इससे जुड़े हर मुद्दे पर पार्टी आक्रामक रुख अपनाएगी। दिग्विजय सिंह जैसे नेता के हर बार का जोरदार पलटवार करने के निर्देश पार्टी के हर वरिष्ठ नेताओं को दिए जा चुके हैं। नीचे से जो फीडबैक आता है, समाज में जन कल्याण के काम कैसे और अधिक ताकत से करने हैं, कैसे समाज के सुख की चिंता करनी है, जन कल्याण की योजनाएं बनानी है, उसके लिए पूरा परिवार बैठता है, क्योंकि पार्टी हमारा एक परिवार है। हम परिवार की पार्टी नहीं है कांग्रेस की तरह। इसलिए आज चौतरफा जो विकास हो रहा है, संवेदनाओं के साथ जो निर्णय हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि जो भी फीडबैक अन्य अन्य कार्यकर्ताओं से आते हैं उनके आधार पर योजना बनाकर आगे की गतिविधियां चलाई जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी यथार्थ पर, जन कल्याण पर और संवेदनाओं पर काम करने वाला दल है और उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की बैठकें और प्रयास होते हैं। इधर बीजेपी का एजेंडा सेट है तो कांग्रेस भी मुद्दे सेट करने में लगी हुई है। कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने से इसका अंदाजा लगाना आसान है। 1 मई को कांग्रेस की बैठक है, बैठक में कांग्रेस का एजेंडा सेट हो सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी के पारंपरिक मुद्दों का जवाब कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ही देगी। आज जनता उन 15 महीनों को याद करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सवाल करती है, उनके नेताओं से सवाल करती है कि क्या कारण है कि जो 15 महीने में कांग्रेस पार्टी ने काम करे हैं
वो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में किसान परेशान है, बिजली का संकट इस तरह गहराता जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में लोगों को परेशानी होने वाली है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी के केवल बड़े बड़े शिविर लगते हैं लेकिन बेरोजगार भटक रहा है मध्य प्रदेश में, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। भले ही विधानसभा के चुनाव को अभी 1.5 साल हो लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एजेंडा सेट कर उस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी उन मुद्दों को लेकर भी चुनाव में उतरेगी जो यूपी चुनाव में सफल रहे हैं, इसमें डबल इंजन की सरकार का भी नारा होगा। हालांकि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों से बीजेपी के एजेंडे को काउंटर करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो मिशन 2023 के लिए बीजेपी अब महिला मोर्चे को भी तैयार करने में लगी हुई है। इंदौर में महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई कैबिनेट मंत्री और सांसद शंकर लालवानी, प्रज्ञा ठाकुर मौजूद रही। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमेशा से ही महिलाओं का स्थान पुरुषों से ऊंचा रहा है, कन्या देवी का रूप होती है और नारी के सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा। अगर किसी ने उंगली उठाई तो फिर उसकी खैर नहीं, और हमारे पीएम मोदी के नेतृत्व में गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। अपने उद्बोधन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ भी की। हजारों साल पहले से पुरुष से प्रमुख स्थान दिया है तो महिला को दिया है, नारी को दिया है, कन्या को हमने देवी का स्वरूप माना, गंगा गीता गायत्री सीता सत्या सरस्वती, सीता सत्या सावित्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती एक अलग स्थान दिया, उच्च स्थान दिया। बहनों आपने तिलक लगा के स्वागत किया है, इस तिलक से उत्पन्न ऊर्जा से दुष्टों का विनाश मध्य प्रदेश की धरती पर होता रहेगा और नारी की शान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। और अगर कोई उंगली उठी तो फिर उसकी खैर नहीं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। मुझे कह भी गर्व है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने तय किया कि स्थानीय निकायों पंचायतों के चुनाव में 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया जाएगा। आज भारत की वित्त मंत्री खजाने की मालिक अगर कोई है तो निर्मला सीतारमण जी है। बहुत सक्षमता से अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है और मैं अपने साथ काम करने वाली मंत्री बहनों को भी देखता हूं तो उनकी ऊर्जा मुझे पुरुष मंत्रियों से कहीं बहुत ज्यादा खरगोन की करते हैं। कल कर्फ्यू में फिर 9 घंटे की छूट मिलेगी। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। हथियारों की बिक्री के साथ पेट्रोल केरोसिन बिक्री प्रतिबंधित है। वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध है। तो आप देखिए कि कृषि मंडी आने जाने वाले वाहनों और बसों को छूट दी गई है। बैंक और पोस्ट ऑफिस खुले रहने के आदेश हैं। तो अपर कलेक्टर SS माजुलदा ने ये आदेश जारी किए हैं। तो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। हथियारों की बिक्री, पेट्रोल केरोसिन पर बिक्री प्रतिबंधित है। वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है लेकिन कृषि मंडी आने जाने वाले वाहनों और बसों को छूट दी गई है। और अब बात खरगोन की ही करेंगे क्योंकि हिंसा के बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आरोपी सिकलीगर तूफान सिंह समेत 7 हथियार तस्कर अरेस्ट किए गए हैं। SP सिद्धार्थ चौधरी को गोली मारने वाले वसीम को पिस्टल की सप्लाई की गई थी तो वसीम की निशानदेही पर ही गिरफ्त में आया ये सिकलीगर तूफान सिंह। 10 अप्रैल को जो हिंसा हुई थी उसके बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 7 हथियार तस्कर पुलिस ने यहां गिरफ्तार किए हैं और इन आरोपियों से भारी मात्रा में
अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। हथियार बनाने और बेचने का काम ये करते थे। हथियार बनाने का सामान भी यहां पुलिस ने अपनी जद में लिया है, इसे बरामद किया है। और इसमें करीब 7 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी तूफान सिंह जो कि रामनवमी दंगे वाले मामले में जो कि फरार था, जिसने हथियार सप्लाई किए थे एसपी सर को गोली मारने वाले से, तो उसको भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 6 अन्य आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो कि तस्कर थे और बाहर हथियारों की सप्लाई करते थे सप्लाई की। तो इसमें मुखबिरों की सूचना पर हमारी पुलिस ने दबिश दी, जिसमें थाना गोगांव के सिग्नोर गांव में दबिश दी गई। इसमें कुल 6 कारखाने पकड़े गए जहां पर कुल 17 पिस्टल बनाई गई थी। इसमें इनसे पूछताछ की जाएगी और अन्य जगहों पर भी दबिश दी जाएगी। और आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मध्य प्रदेश का घोषित हुआ है, और ऐसे में एक बड़ी खबर ये कि फेल हुए छात्रों को पास होने का एक मौका और मिलेगा। कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा 20 जून से होगी, कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षा 21 जून को होगी। 10वीं में 99,710 छात्रों को पूरक परीक्षा में बैठने की पात्रता मिली है। 10वीं में 2 विषय में फेल छात्र अपनी पूरक परीक्षा दे पाएंगे। 12वीं में 1 विषय में फेल छात्र जो है वो पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो पाएगा। 12वीं में 96,751 परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता मिली है। रुक जाना नहीं योजना के तहत भी फेल छात्रों को मौका मिलेगा। इस योजना के तहत सभी विषयों में फेल स्टूडेंट्स भी परीक्षा दे पाएंगे। ओपन बोर्ड के जरिए ही एग्जाम होगा। इधर गुजरात के अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने गुरुवार को आयशा सुसाइड केस में फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को 10 साल की सजा सुनाई है। अहमदाबाद के रहने वाली आयशा की शादी राजस्थान के जालौर के रहने वाले आरिफ से 2018 में हुई थी। दहेज प्रताड़ना और पति के अफेयर से डिप्रेशन में आकर आयशा बानो ने बीते साल 25 फरवरी को अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी थी। यह कदम उठाने से पहले आयशा ने अपने पति के कहने पर वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था। करीब 1 साल बाद सेशन कोर्ट ने इस वीडियो और चैट को आधार मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है, जिसमें आयशा के पति आरिफ ने कहा था, जाओ मर जाओ और अपनी मौत का वीडियो भेजो। तो आयशा के गुनहगार पति को तो उसके किए की सजा मिल गई, मगर उस दिन आखिर हुआ क्या था, आपको आयशा के वो आखिरी पल दिखाते हैं जो खुद आयशा ने अपने मोबाइल में कैद किए थे। मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले, चलो अलविदा। मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले, चलो अलविदा। आज जिंदगी भी हैरान है इस अदा से, तो अलविदा किसी ने उसे नहीं कहा होगा। मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले, चलो अलविदा। आयशा हवाओं की तरह उड़ना चाहती थी, सो उड़ गई। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। गुजरात के अहमदाबाद की आयशा ने सुसाइड करने से पहले ये इमोशनल वीडियो बनाया और फिर साबरमती नदी से छलांग लगा दी। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है, अब बस क्या कहें। आयशा जाते जाते बार बार जिंदगी का एहतराम करती रही, वो खुश है कि अल्लाह से मिलेगी। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी। लेकिन आयशा के पास एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अल्लाह के पास भी ना हो। मेरे से गलती कहाँ रह गई? माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस कई कमी रह गई मुझ में, शायद तकदीर में। जिंदगी के आखिरी पलों में पूरे हौसले के साथ मुस्कुराती आयशा अपने साथ एक गहरी टीस लेकर गई है। टीस ऐसी कि वो दोबारा इंसानों की
शक्ल भी देखना नहीं चाहती। सुकून से जाना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। आयशा अपने पति से दिलों की गहराई से मोहब्बत करती थी, शायद इसलिए जाते जाते भी उसके मुंह से दुआएं ही निकल रही थी। डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस विड्रॉल कर दो, नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी, प्यार करते आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करें। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। मोहब्बत में आयशा का दिल किस तरह टूटा होगा समझा जा सकता है। एक तरफा प्यार और तिरस्कार की इस दास्तान में आयशा शायद हमेशा के लिए अमर हो गई। एक चीज जरूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। आयशा बहती हुई हवा थी, आयशा बहती हुई नदी थी, शायद इसलिए वो उसी निश्चल कुदरत में हमेशा हमेशा के लिए समा गई। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले, और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। थैंक यू, और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। ये वीडियो दिखाने का मकसद था कि आप आयशा के दर्द को समझ सकें, लेकिन आत्महत्या करना, सुसाइड करना ये अपराध है और ज़िंदगी ख़त्म नहीं करना, ये हमारी आपसे अपील यही है। आगे बढ़ते हैं, बात रायपुर की करते हैं। सीएम भूपेश की घोषणा पर तत्काल अमल हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर तत्काल अमल करते हुए महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि में 1.5 गुना बढ़ोतरी का आदेश जारी किया गया है। नगरीय निकायों में निधि में 1.5 गुना बढ़ोतरी का आदेश जारी है। सीएम ने 31 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। जो घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की थी कि उनका जो निधि बड़ी थी उसके बाद अब इसका आदेश जारी हो गया और विकास के तौर पर आगे निकायों में अब कोई परेशानी ना हो इसलिए जल्द से जल्द आदेश जारी करवाया गया है। कुलेश्वर पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, अब लगातार निगम और निकाय में जो विकास कार्य होना है, जो राशि की जो बाधा आ रही थी वो खत्म होगी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से 31 मार्च में मुख्यमंत्री निवास में एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी जिसमें महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि के को 1.5 गुना बढ़ाने की जो बात की गई थी, इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया था और अब जो है 1.5 गुना राशि को बढ़ोतरी आदेश भी जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी किया, कहीं ना कहीं जो पार्षद और महापौर है प्राप्त करके उनका कहना था कि जो अभी राशि दी जाती है वो काफी कम है, क्षेत्र में विकास करने के लिए पैसे की काफी आवश्यकता रहती है, इसलिए अब ये आदेश जारी हो गया। अब जो है 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर निधि को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर अब 2.25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वही 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर निधि को बढ़ाकर 75 लाख रुपए से 1.12 करोड़ कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब जो निकाय क्षेत्र की जो जरूरत होती है, जो वार्डो की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं राशि बढ़ने से अब वो काम जो इन क्षेत्रों में हो पाएंगे। जी, शुक्रिया कुलेश्वर इस तमाम बातचीत के लिए। तो आदेश जारी किया गया, बढ़ोतरी का आदेश सीएम ने 31 मार्च को इस कार्यक्रम में एक कार्यक्रम में घोषणा की थी। नगर प्रशासन और विकास विभाग ने अब इसका आदेश जारी किया है। और इसी के साथ प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।